हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमिति। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है, उसका पूरा फंडामेंटल, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको फार्मूला का कलेक्शन दिया और आपसे बोला था कि फार्मूला सबसे पहले लर्न होना चाहिए, फार्मूला आपको सबसे पहले सीखना है, याद करना है, तो फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं। तो आज हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको मेरा मैथ्स क्लास का आइडिया हो गया है कि मैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आता हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को लेके आता हूँ, तो मैं वो सब क्वेश्चन आज से आप प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन का मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप घर में फिर सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर उस पर अच्छा कमांड हो जाएगा। तो मैं एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, देखिए, ताकि मैं आपको समझा तो सकूँ हर तरह का क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिया कि सर हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। आप सोच रहे हो कि इतना ईजी क्वेश्चन सर क्यों ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट में जीरो से स्टार्ट करूँ, फिर देखिए वो कैसे चेंज होते जाता है। ये आपको सॉल्व करना है तो नेचुरली आप तुरंत लिखोगे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा, या कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन के साथ में कैंसिल आउट हो जाता है और बचता है थीटा। तो इसको आप सीधा आंसर लिख सकते हो, पाई बाई थ्री, ये इसका आंसर है। क्लियर? तो बहुत आसान है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री हो जाएगा इस फार्मूला से। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री पाई बाई फाइव, साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फाइव, ये मैंने लिया। अब उस कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको आप कह दो कि सर ये सीधा 3 पाई बाई 5 होगा, जैसे वहाँ हुआ था, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। तो क्यों क्यों गलत है ये बात हमको यहाँ पसंद, यही बात इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को लिया था कि आपको पहले बता दूं कि डायरेक्ट कैसे होता है, फिर यहाँ पर क्यों नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, बट साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फाइव इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा किसके, थ्री पाई बाई फाइव के। तो क्यों नहीं होगा, इसके लिए आपको जो मैं पहले फार्मूला का चार्ट दिया था डोमेन और रेंज को, डोमेन और रेंज का जो चार्ट दिया था वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि साइन वाले केस में, सिंस साइन साइन के लिए क्या होता है कि 3 पाई बाई 4, क्लियर, ऐसा अपन लिख सकते हैं, फॉर साइन 3 पाई बाई 5 नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। आपको मालूम है कि साइन का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, और यहाँ पर साइन के साथ में जो एंगल यूज किया गया है वह एंगल 3 पाई बाई 5 इसके बिटवीन नहीं है, इसके बीच में नहीं है, इससे बड़ा है, इसलिए वह डायरेक्ट उसका आंसर नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 पाई बाई 5 को हमको इस रेंज में लाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, ये आपको समझना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले ये बता देंगे कि नॉट इक्वल टू होगा और साइन के लिए ये होता है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 इक्वल, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, और साइन 3 पाई बाई 5 को हम यदि ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये हो जाएगा एक मिनट, पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे तो 5 है ना अपान में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लें तो 5 में से ये माइनस करेंगे तो भी इसको 2 पाई लिख सकते हैं अपन,
इस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको कि किसी एंगल के लिए उसको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये जो सेकंड पॉइंट है वो इसके बिटवीन आ जाए। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 5 - 2 3π/5 और 2π/5 क्या है, इसके बीच का एंगल है, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इक्वल साइन इनवर्स, ये हो जाएगा sin 180 - थीटा। sin 180 - थीटा जो 54 फार्मूला मैंने फिजिक्स में ही बताया था आपको और आपको याद रखना चाहिए, sin 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2π/5। अब जो ये एंगल आया यह उसके बिटवीन है, मैंने बता दिया, तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला को लगा सकते हैं, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sin हटने के बाद 2π/5 इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो साइन वाले फंक्शन के रेंज को हम देखेंगे कि किसके किसके बिटवीन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। इसी तरह से मैं सभी तरह के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको बता दूं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर आ गया समझ में आपको? तो ये सबसे पहले एंगल को देखना है कि जिस ट्रिग्नोमेट्री के लिए दिया है क्या उसके बिटवीन आता है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पाई बाई थ्री था तो उसके बीच में आता है, इससे हम उसके डायरेक्ट आंसर लिख दिए, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, उसको एडजस्ट किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कास के लिए। सपोज कास के लिए ले लें, कास इनवर्स, कास यही आगे बता दूं मैं आपको, नेक्स्ट कास इनवर्स कास 13π/6 यह देखना है नेचुरली। अब देखो, अब यहां पर आप लिखोगे इज नॉट इक्वल टू 13π/6 सिंस 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू साइन, इसमें कास का रेंज क्या है आपको पता है, 0 to π, 0 और π के बीच में होना चाहिए। ये रेंज का जो चार्ट मैं आपको दिया था, आप याद करिए कि फार्मूला का जो मैं आपको चार्ट दिया था उसमें पहला चार्ट आपको मैंने दिया था डोमेन और रेंज के लिए, वो इसीलिए दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में काम आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर 13π/6 जो है वह इसके बिटवीन नहीं है, इसलिए हमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसी तरह से करेंगे, अब आप समझ रहे होंगे क्या करना है। ये हो जाएगा कास इनवर्स कास 13π/6 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं कास इनवर्स। अब इसको आपको ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि सेकंड जो पार्ट है वह 0 से π के बीच में हो। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कास 2π + π/6। अब देखो आप लघुत्तम निकालो एलसीएम, 6 × 12 = 13, ये हो जाएगा 13π/6 और π/6 जो है वह 0 से π के बीच में है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही होता है, यहाँ पर आपको उसको प्रॉपर ब्रेक करना है, प्रॉपर तोड़ना है और आगे फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो दैट इक्वल ये हो जाएगा कास इनवर्स कास 360, तो क्या होता है, कास थीटा होता है। ठीक है, ये सब फार्मूला याद रखना चाहिए ना। मैं एक बात आपको बहुत बार बार याद दिला रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स फार्मूला। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर स्टूडेंट को एक ही मैसेज देता हूँ कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कमांड करना है तो सबसे पहला काम है फार्मूला एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। फार्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एनी टाइम आपको फटाफट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तब कास कास हट जाएगा और ये हो जाएगा π/6, ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक बताया आपको साइन का, फिर कास का, ऐसी टेन का बता दूँ, बाकी कोसेक सेक और काट तो इन्हीं के जैसा ही बनेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया है π/6। अब अपन देख लेते हैं टेन के लिए एक फार्मूला क्वेश्चन, सॉरी है ना, एक एक क्वेश्चन में हर ट्रिग्नोमेट्री पर बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 10 inverse एंगल का है हमारे, ये सब सेलेक्टेड और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ढंग से प्रैक्टिस करिए। 10 3π/4
थ्री पाई बाई फोर, ठीक है। अब डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये लिखना आपको जरूरी है कि क्यों बराबर नहीं होगा, ये आपको लिखना जरूरी है। और नीचे आप कारण बताओगे, सिंस थ्री पाई बाई फोर इज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग करता किसको, टेन का रेंज क्या होता है, यह साइन जैसा होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो इसको वो बिलोंग नहीं करता, इसलिए क्या होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता। तो बस उसी मेथड से अपन तोड़ेंगे इसको, आप समझ गए होंगे अब इस पैटर्न को कंप्लीट, तीन क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आएगा। देयर फोर टेन, टेन इनवर्स थ्री पाई बाई फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन, टेन इनवर्स थ्री पाई बाई फोर को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई टू, फोर है ना, सॉरी पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर, यहाँ पर लघुत्तम आएगा चार, फोर पाई में से एक पाई को माइनस करेंगे तो आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर। बस यही लाइन आपको एडजस्ट करना है कि कितना एंगल के साथ में बनाना है उसको, दैट इक्वल टेन, टेन इनवर्स, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन माइनस होता है। क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या मैंने, टेन इनवर्स टेन होगा, सॉरी बाहर इनवर्स रहेगा अंदर टेन रहेगा ना, वही मैं सोच रहा था तो पॉसिबल नहीं है ना, अंदर टेन रहेगा, तो यहाँ पर फार्मूला लगता नहीं, टेन इनवर्स बाहर होगा, टेन इनवर्स टेन, तो टेन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये होता है माइनस टेन थीटा, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा टेन 180 माइनस थीटा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ, ये होता है माइनस टेन पाई बाई फोर, ऐसा हो जाएगा। दैट इक्वल, अब अपने को पता है कि टेन पाई बाई फोर, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर क्या होता है, वन, तो माइनस वन हो गया, क्लियर। दैट इक्वल टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा होता है, तो हो जाएगा ये माइनस टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई फोर, क्लियर। तो माइनस पाई बाई फोर इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आया है इसका माइनस पाई बाई फोर, और माइनस पाई बाई फोर इसके बिटवीन है, इसके बीच में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उसमें क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है उसके सामने जो एंगल है उसको आप मैच करोगे कि उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेंज के अंतर आता है कि नहीं, यदि आता है तो सीधा वह उसका आंसर होगा जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, और यदि उस रेंज के अंदर नहीं आता है तो आपको उस एंगल को तोड़ के उस रेंज के अंदर में लाना होता है। ये है हमारा फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा टू मार्क्स थ्री मार्क्स के लाइक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फार्मूला यदि आपने अच्छे से याद कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं किया है तो मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि पहले फार्मूला को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और आपको इलेवंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी याद रहना चाहिए। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि यदि आपका इलेवंथ का त्रिकोणमिति अच्छा नहीं, पुअर है, अच्छे से नहीं हुआ है, तो अभी एक दो रोज के बाद ही मेरा त्रिकोणमिति का इलेवंथ क्लास का वीडियो आएगा, वो भी आप देख लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा, क्लियर। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पर। जो सेलेक्टेड पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं लिमिटेड क्वेश्चन बताता हूँ भले ही, लेकिन वो सब क्रीम कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ये बात आप मैथ्स के क्लास में हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये CBSE बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये है टेन इनवर्स टू कॉस, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू, टू साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू, बेस्ट क्वेश्चन है ये, और इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कभी भी इस तरह के बहुत से फंक्शन हो तो हम उसका वर्क स्टार्ट करेंगे कहाँ से, उसके सेंटर से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका वर्क इसके सेंटर से, मतलब यहाँ पर से, सेंटर वाले पॉइंट से,
तो क्या होगा दैट इक्वल, ये सब मान ज्ञात करो ना, क्वेश्चन का क्या करना है, सरल करो, मान ज्ञात करो, हल करो, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन यही, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू कॉस, और इसको हम लिख सकते हैं टू साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स, सॉरी 30 डिग्री है, पाई बाई सिक्स, 1/2 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री के लिए होता है पाई बाई सिक्स, दैट इक्वल टेन इनवर्स टू कॉस, अब ये हो जाएगा 2 × 10 पाई बाई सिक्स, क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 को, सॉरी सीधा पाई बाई सिक्स ना, साइन हट जाएगा वो, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई सिक्स, मैंने बताया था कि इनवर्स के सामने उसका वैल्यू होता है, ये एंगल बन जाएगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, ये पूरा वैल्यू हुआ पाई बाई सिक्स, अब हो जाएगा पाई बाई थ्री, दैट इक्वल टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री, मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1/2, दैट इक्वल ये 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, दैट इक्वल टेन इनवर्स 1 इक्वल टू होता है क्या पाई बाई 4, ये इसका आंसर। यहाँ पर जो मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ उसको आप कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हो ना, ऐसा नहीं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, वहाँ पर मैं बताऊँगा, तो पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रहने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि बस इसमें मैं आपको क्या पैटर्न समझाया कि यहाँ जो लास्ट वैल्यू होगा वहाँ से आपको एक एक करके सॉल्व करते जाना है, ये इसका तरीका है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, सूत्र याद रहना चाहिए, और इसका दो पार्ट में एक्सरसाइज करने की मैंने प्लानिंग की है, पहला पार्ट में आज बता रहा हूँ जो कंपेरेटिवली तो इजी क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, और इसके बाद जो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट पार्ट में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, हमेशा से मेरा तरीका यही रहा है कि एक एक्सरसाइज का पोर्शन इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो और दूसरा जो अपना पार्ट हो वो थोड़ा उससे डिफिकल्ट हो, ताकि हम इजी से डिफिकल्ट की ओर आसानी से जा सकें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये सब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें फार्मूले ज़्यादा यूज होते हैं ना, फार्मूला यदि प्रॉपर याद है तो सब कुछ बनता जाएगा आपको। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, साइन पाई बाई थ्री माइनस, अब देखो माइनस 1/2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो पहले तो माइनस सामने आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, भी ये हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री और साइन इनवर्स 1/2, मतलब कितना डिग्री, 1/2 मतलब 30 डिग्री के लिए, अभी जो क्वेश्चन किया सेम है, ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स, दैट इक्वल ये हो गया 6 एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा 2+1 3 पाई बाई सिक्स, क्लियर, 6 एलसीएम आएगा तो 2 प्लस इतना, दैट इक्वल ये हो गया साइन पाई बाई थ्री और साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री, √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल वही पैटर्न का क्वेश्चन जो भी मैं बताया, तो √3/2 इसका आंसर होगा। पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स पाई बाई टू पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, अरे सॉरी यहाँ पर मैं साल गलत कर दिया, 3 × 2 तो ये 2 पाई बाई टू आंसर, क्योंकि 1 आया हुआ है इसमें, सिर्फ इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आंसर 1 दिया हुआ है, तो पाई बाई टू होगा 1। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें, बस एंगल के वैल्यूस आपको रखते जाना है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करें,
यही लिख देता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। एक बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट एक लाइन का है लेकिन कॉन्सेप्ट पर है, साइंस साइन वर्सेस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कैलकुलस में बहुत यूज होता है। साइंस साइन वर्सेस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखिए यदि आप इसको देखेंगे तो लगेगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या है इसमें, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना चाहिए क्या कि साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। ये फार्मूला मैंने बताया था, इसको प्रूफ भी किया था। और देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 डिग्री और वो होता है 1, तो 1 इसका आंसर है, ओरल है। लेकिन यहीं पर आप सोचो यदि किसी स्टूडेंट को इतनी छोटी सी बात ना पता हो इसका वैल्यू पाई बाई टू होता है तो बना ही नहीं पाएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन ईजी ही है, फार्मूला बार बार हर क्वेश्चन में एक ही बात आपको याद में दिला रहा हूँ, ओनली फार्मूला। आप में से जिसका फार्मूला याद हो गया होगा उन लोग का ये क्वेश्चन टाइम पास लग रहा होगा, ठीक है। और फिर 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होने के कारण ये बहुत आसान है। 11th ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में 90% पोर्शन तो 11th क्लास में है, ये तो 10% पोर्शन है उसी का, सब तो 11th क्लास में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साइन साइन वर्स 1/5 साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। ये बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब बेस्ट मीन सब में कॉन्सेप्ट की बात है, रहने के लिए सब चार लाइन के हैं। तो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अभी NCERT का क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करें तो किस तरह सॉल्व करेंगे, दैट इंप्लाइज साइन को हम इधर ट्रांसफर कर दें 1 के साथ में तो उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इधर भी साइन कॉस है, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। यहाँ पर हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स का हमको मान ज्ञात करना है। इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो इसको कॉस में बदला जा सकता है, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर क्वेश्चन को मैं इजी वे में बता सकूं, ये लेंदी भी बन जाएगा, ये 10 स्टेप में चला जाएगा। क्या करेंगे आप समझ रहे हो, इसको हम कन्वर्सन फार्मूला से कॉस में बदल दें, रूपांतरण फार्मूला से, फिर ये भी कॉस हो गया, फिर कॉस इनवर्स एक्स। एक आध क्वेश्चन को भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, ठीक है। चलिए दैट इम्प्लाइज अब इसको हम क्या करें, ये हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा पाई बाई टू। अब यहाँ पर का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या देखिए कि यहाँ पर आप फार्मूला लिखता हूँ मैं, बट अपने को पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये फार्मूला हमको पता है। अब यदि हम अपने क्वेश्चन का इस फार्मूला के साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो ये है और ये, तो साइन इनवर्स यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है तो यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स है, ये पाई बाई टू है, ये भी पाई बाई टू है, तो दोनों की हम तुलना करें तो साइन इनवर्स 1/5 को ये होना चाहिए, तो देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स को होना चाहिए किसके बराबर, साइन इनवर्स 1/5 के बराबर। अब यहाँ से हम कंपेयर करें दोनों साइड का, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ये देखो देखिए क्वेश्चन कितना आसान कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वे में भी सॉल्व हो सकता था, बहुत डिफिकल्ट। कैसे, साइन और साइन को एक साथ रखिए, फिर साइन एक्स मैंने साइन वाई का फॉर्मूला, तो लेंदी भी बन जाता है। तो इस तरीके से हम क्या है इसको एडजस्टमेंट करके दो लाइन में बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न है। तो ध्यान रखना राइट साइड के 1 को ध्यान में रख के हमने उसको पहले साइन में बदला, फिर इस फार्मूला के साथ में हमने उसको कंपेयर कर दिया, दोनों का कंपेयर किया तो साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो एक्स इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा 1/5। एक आध इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये।
cos tan इनवर्स x, ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन देखते हैं। cos, cos क्या है, cos tan इनवर्स x, cos tan इनवर्स x इक्वल साइन cot इनवर्स 3/4, साइन cot इनवर्स 3/4, cot इनवर्स 3/4, ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर देखो, इस साइड में cos है, इस साइड में साइन है, और दोनों के अंदर क्या है, cot है। साइन के साथ cot का रिलेशन है। अब यहाँ पर देखो, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अभी हम इसको एक तरफ cos है, एक तरफ साइन है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि या तो ये साइन हो या तो ये cos हो। दोनों साइन हो, दोनों cos हो, तो हम आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो साइन को cos में बदलने का अपने पास फार्मूला है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम उस फार्मूला को यूज़ करें, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज, इसको मैं बदल दिया तो आएगा साइन पाई बाई टू माइनस माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल साइन cot इनवर्स 3/4। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमने दोनों साइड को क्या बना दिया, साइन बना दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा के रोल में है। अब दोनों तरफ साइन हो गया, तो दोनों तरफ से साइन को हम अब हटा सकते हैं, इधर का साइन, इधर का साइन, तो कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू उधर हो जाएगा cot इनवर्स 3/4। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप स्पेशल कलेक्शन में रखना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स 3/4 इक्वल टू पाई बाई टू। अब इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन का फॉर्म है, इसको हम यदि इस तरह से कंपेयर करें tan और cot के फार्मूला के लिए, तो अपने को पता है कि बट tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये हम जानते हैं। अब यहाँ दोनों का कंपेयर किया जाए तो आप देखो, ये पाई बाई टू, पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। दोनों का कंपेयर करें तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये cos को साइन में बदलने का है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में यहाँ डिफरेंस है। क्लियर, ये तो सीधा सीधा है। तो देयरफॉर दोनों का कंपेयर करें तो cot इनवर्स 3/4 है, यहाँ पर cot इनवर्स एक्स है, तो हो जाएगा cot इनवर्स एक्स इक्वल टू cot इनवर्स 3/4, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये एक पैटर्न है। आप एक बात वाच कर रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक नए पैटर्न को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ यदि आप पकड़ लिए तो आपको, देखो मैथमेटिक्स में हमेशा मेरा एक बहुत फेमस कोटेशन है कि मैथमेटिक्स में कमांड करने के लिए आपको बहुत बहुत सा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, बहुत टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मान लो मैंने हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस किया लेकिन सब एक जैसे थे, लेकिन सपोज किसी ने ओनली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया लेकिन पूरे 100 क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर थे, तो 100 क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट 1000 क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा प्रिपेयर है। इसलिए कभी भी मैथमेटिक्स का जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस बात पर ज़्यादा फोकस दिया करो कि क्वेश्चन में नयापन होना चाहिए, क्वेश्चन में वैरायटी होना चाहिए, क्यों अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आपको स्किल डेवलप करने के लिए, आपको स्पीड लाने के लिए, तेज़ी से बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने होंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहले आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए, उनका आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। अब एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं नए कॉन्सेप्ट पर। देखिए, मैं इसके बाद जो सेकंड नंबर का, इसका थर्ड नंबर का वॉल्यूम बताऊंगा। फर्स्ट में मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले, सेकंड में मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन।
हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं दो मेथड से आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चन कितने तरीके से बना सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और बहुत ज़्यादा यूज करूँगा। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल कॉस इनवर्स 33/65 कॉस इनवर्स 33/65। ये क्वेश्चन है अपने पास और इसको अपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इसको हमको सिद्ध करना है, क्लियर। इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड अपने को लाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं दो मेथड से बता रहा हूँ, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम कितने तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या मैथमेटिक्स में सोच सकते हैं। पहला देखो, पहला मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला पर है, फिर आप खुद से कंपेयर कर लेना कि कौन सा मेथड इजी है। तो अपने पास एक फार्मूला है, वो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, ये फार्मूला है। देखिए आपको फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ तभी बनेगा। इसका फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, ये सब फार्मूला आप रट लो ना, नहीं तो फिर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो प्रैक्टिस कराऊंगा सब फार्मूला पर बेस्ड रहेगा। इस फार्मूला को हम यूज़ करें तो ये जो है 4/5 आप जो देख रहे हो ये क्या है, इससे कंपेयर करें तो ये x का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। तो इस फार्मूला में इसको कंपेयर कर दें तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कॉस इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट x इंटू वाई मतलब 4/5 इंटू 12/13 ये हो गया माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x का भी स्क्वायर है तो 16/25 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो 144/169 ये मैंने पुट अप कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड को एक बार आप कॉपी कर लोगे, यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल, ये फार्मूला का रिफरेंस दिया, इस फार्मूला को हमने यहाँ पर लगाया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो दैट इक्वल कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा 12 × 48 और ये 65, क्लियर, माइनस अब इसको सॉल्व करो 25 एलसीएम आएगा और ये 16 में से 25 में से 16 घटेगा 16 घटेगा 9 होगा तो 9 का रूट यह हो जाएगा 3/5 और इंटू 169 में 144/25 तो हो जाएगा 5/13 ये हो गया 13 ये हो जाएगा दैट इक्वल कॉस इनवर्स, अब यहाँ पर 65 एलसीएम होगा, दोनों में 65 एलसीएम है, ये हो जाएगा 48 और माइनस 15 दैट इक्वल ये हो गया कॉस इनवर्स ये 33 ये हो गया 33/65 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। देखिए इस तरीके से ये जो फार्मूला डेवलप किया गया है, ये जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला जो डेवलप किया गया है, उस फार्मूला में हमने इस वैल्यू को पुट अप किया तो 1, 2, 3, 4 स्टेप में आंसर है। अब सपोज ये सब फार्मूला जो हम आपको रटने के लिए दिए हैं ये आपको याद नहीं है, यह फार्मूला आपने तैयार नहीं किया, तब भी बना सकते हैं, लेकिन वो कितना लेंदी हो जाएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको देख लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, या फिर आप तो कंटिन्यूस वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप उसको, वैसे मैथमेटिक्स में देखो एक बार यदि आपने मेथड सीख लिया तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स का नेचर अलग है, क्लियर। तो चलिए अब इसको मैं इसके सेकंड मेथड से बनाता हूँ,
या राइट साइड में ही मैं सेकंड मेथड के लिए देखता हूँ, इतने ही स्पेस में हो जाए, हालांकि वो थोड़ा सा लेंदी बनेगा। तो चलिए अपन देखते हैं मेथड टू। सपोज मुझे फार्मूला याद नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बना सकता हूँ। मान लो मैं ये फार्मूला नहीं जानता और मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है तो क्या करूँगा। देखिए ये कॉस इनवर्स 4/5 को मैं एक्स मान लिया, लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू एक्स, देयर फोर ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 4/5, ये हो जाएगा। इसको इन्वर्स को इधर ले जाएंगे तो एंड नेक्स्ट लेता हूँ मैं कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू वाई सपोज कर लिया, तो देयर फोर कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा 12/13। क्लियर यहाँ तक? अब मैं कॉस एक्स और कॉस वाई के वैल्यू के हेल्प से साइन एक्स साइन वाई का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, बट अपने को पता है कि हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका वैल्यू पुट कर दिया मैं सीधा 16/25, ये हो जाएगा। और दैट इक्वल 16 माइनस 25 16 9 होगा तो हो जाएगा 3/5। तो इसे मैंने साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया। इसी तरह से मैं निकाल रहा हूँ इसके हेल्प से साइन वाई का वैल्यू। तो साइन वाई इक्वल टू लिख सकते हैं अपन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, दैट इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू ये 144 अपॉन 169। देखिए यहाँ पर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला यूज़ न करके डायरेक्ट उसको बना रहा हूँ, और ये 25/ ये मतलब हो जाएगा 5/13, ये निकल गया। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला पता है, वो है कॉस एक्स प्लस वाई। क्लास कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला हम जानते हैं इसके लिए। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर दें तो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई को कॉस एक्स प्लस वाई रहने दो आप, दैट इक्वल आगे अपन देखते हैं। तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, कॉस एक्स का वैल्यू वो 4/5 इंटू कॉस वाई का वैल्यू 12/13 माइनस, यहाँ पर देखो साइन एक्स का वैल्यू क्या निकाला है हमने 3/5 और इसका वैल्यू 5/13। कुल मिला के हम इस स्टेप में आ गए, ये वाले स्टेप में आ गए, दैट इक्वल देयर फॉर। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 48 माइनस 15 होगा तो 33/65। क्लियर? अब इसको हम किस तरह से कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 33/65। दैट इम्प्लाइज अब एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो एक्स का वैल्यू है कॉस इन्वर्स 4/5, ये हो गया कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस वाई का वैल्यू है कॉस इन्वर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इन्वर्स 33/65, ये हो जाएगा प्रूफ। अब आप यहाँ पर देखो, आप सोच रहे होगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन को आप इतना लेंदी कर दिए, तो मेरा यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यदि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में ही प्रॉपर फार्मूला यूज़ कर दिए, जैसे आपको दिख गया कॉस इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई और मुझे फार्मूला याद है, रटा हुआ है, तो मैं सीधा उसको वैल्यू पुट किया वो सॉल्व हो गया। फार्मूला याद नहीं है तो ऐसा करके बनाया। तो फाइनली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप प्रॉपर प्रिपेयर कीजिए तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैंने आज अपने पूरे क्लास में बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपको कलेक्शन दिया, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उसी तरह के और क्वेश्चन आप बनाइए। क्लियर? और इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा तो कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आऊँगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसमें बस आप फार्मूला याद करिए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।